मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरपीएस पब्लिक स्कूल। वी आर इन द पीरियड ऑफ क्लास सिक्स मैथ्स। हम लोग अभी क्लास सिक्स के मैथ पीरियड में हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, रेशियो के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। एक एक्सरसाइज 10A आई थिंक आप लोगों ने कम्प्लीट कर लिया होगा। अब हम लोग आज अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या पढ़ जाए बच्चों? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन भी जस्ट लाइक रेशियो जैसा ही है। और हम लोग लिखते हैं प्रोपोर्शन में क्या हो जाता है हमारा कि प्रोपोर्शन में हो जाएगा हमारा कि इफ ए बी सी एंड डी आर इन सेम रेशियो, इफ टू रेशियो आर इक्वल, इफ टू रेशियो आर इक्वल, इफ टू रेशियो आर इक्वल देन वी से दैट दे आर इन प्रपोर्शन, से दैट दे आर इन प्रो प्रोपोर्शन, ठीक है। दे आर इन प्रपोर्शन, जैसे इफ ए एंड रिटेन एज, इसको हम सिंबल में रिटेन करते हैं कि जैसे ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, दैट मीन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई हमारा ये हो गया। ये हमारा ये रेशियो दोनों का सेम है। अगर इक्वल दोनों रेशियो होता क्या होगा? ये प्रोपोर्शन होगी, प्रोपोर्शन का सिंबल है, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जांपल बनाने फॉर्मूला पहले कुछ लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एक फॉर्मूला हमारा होता है, फॉर्मूला हमारा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। दैट मीन्स जैसे हमारा ए बी रेशियो प्रोपोर्शन सी डी है, अगर हमारा ये हो गया तो ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्सट्रीम हो गया हमारा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? मीन। दैट मीन्स ए इंटू डी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू बी इंटू सी प्रोडक्ट ऑफ मीन, हमारा ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। यानी ए और डी हमारा एक्सट्रीम हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा हमारा, बी और सी हमारा मीन हो गया, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग कुछ अपना प्रॉब्लम्स की ओर आते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा क्वेश्चन कुछ दे सकता है इसमें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल वन जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारा दे दिया डिटरमाइन दे आर इन प्रोपोर्शन। जैसे क्वेश्चन हमारा दे दिया गया कि डिटरमाइन, डिटरमाइन दे या फिर डिटरमाइन, जैसे हमारा दे दिया कोई क्वेश्चन जैसे 4, 6, 8, 12 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दे दिया, हम इसको सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम देख रहे हैं कि 4 और 12 है, यानी 4 इंटू 12 कितना हो गया बच्चों हमारा? 12 4 48। और प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया बच्चों इसमें? 6 इंटू 8, यानी
सिक्स इंटू एट कर देंगे, सिक्स एट जाए 48। हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों हमारा क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया, दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, क्या लिख देंगे, सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो सो हमारा हो जाएगा 4, 6, 8, 12। सो 4, 6, 8 and 12 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, क्योंकि दोनों हमारा प्रोडक्ट ऑफ बीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों बराबर है, इसलिए हमारा क्या हो गया बच्चों, ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, इसको जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल टू में जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया, इसमें एग्जाम्पल टू हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारा दे दिया इसमें कि इन ए प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म आर टर्म्स आर 51, 68 and 108, then find the third proportion, हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। मान लेते हैं कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x, सपोज हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी हमारा हो गया x, समझे, मान लिया कि थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या है बच्चों, x है। देयरफोर वी हैव, हमारा क्या हो जाएगा, तो 51:68 प्रोपोर्शन x रेशियो 108, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम क्योंकि जानते हैं कि प्रोपोर्शन के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है हमारा, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा क्या हो गया बच्चों, इसमें 51 into 108 इक्वल टू 68 into x हमारा हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है हमें, तो 51 into 108 by 68 इक्वल टू x, ये मल्टीप्लाई में है, 68 एट बराबर दूसरे साइड लेगा तो क्या हो गया बच्चों, डिवाइड में आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं, तो 17 4 जा 68 होता है ना, और 17 3 जा
51 होता है हमारा, अब इसको क्रॉस कर सकते हैं हम, 4 टू जा 8 हो गया हमारा, 4 टू जा 8, 2 8 28, 4 7 जा 28 हो गया, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो गया बच्चों, 3 इंटू 27, दैट मीन्स x इक्वल टू 81। Therefore, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या हो गया, थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू हमने x माना था, कितना आ गया हमारा 81 आ गया, ठीक है। इसको राइट डाउन कर ली जल्दी से जल्दी, ठीक है, यही 81 हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं आगे, जल्दी से जल्दी इसको राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा दे सकता है इसमें, एग्जांपल 3 जैसे हमने देख लिया, एग्जांपल 3 जैसे हमारा कह दिया कि इफ नाइन एक्स एंड 49, ठीक है, आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं आगे क्या करना है, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग बच्चों इसको, तो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, तो जैसा हमारा दिख रहा है हम लोग दिया हुआ हमारा गिवन है कि 9x और ये एक्स 49, ठीक है। अब हम लोग जैसा कि देखे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है हमारा, तो वी हैव 9 × 49 इक्वल टू x × x, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा हो गया 9 × 49 और प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया हमारा x × x, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 9 × 9 = 81 हो गया हमारा, 9 × 9 = 81 कैरी हमारा बच गया, 8 × 9 = 36 और 8 = 44 हो गया हमारा, ठीक है, इक्वल टू एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देखेंगे तो ये हमारा 21 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, इक्वल टू x² हो गया हमारा। अब स्क्वायर हमारा हट जाएगा इधर से, तो क्या करेंगे बच्चों, x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 21, यानी x का वैल्यू ऑफ x कितना हो गया हमारा 21 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा दे दिया कोई भी इसमें अगला कोई भी क्वेश्चन दे दिया एग्जांपल में, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हम लोग देख सकते हैं इसी तरह से कोई भी एग्जांपल हमने दे दिया एग्जांपल फोर में जैसे कोई भी दे दिया हमारा कि so that 48 60 75 are in continue proportion में होगा, ठीक है। हम देख रहे हैं बच्चों इसमें 3 ही दिया हुआ है, ठीक है, तब कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग,
इससे मिडिल टर्म जो रहता है ये हमारा डबल होगा, रिपीटेड होगा, ठीक है ना। तो वी हैव गिवेन हमारा है 48:60 प्रोपोर्शन 60:75। क्लियर। अब अगर दोनों हमारा बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो हम समझेंगे कि हमारा क्लियर है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 48:75 हो गया हमारा। हम इसको इंटू कर देंगे और नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा 60:60। इसको भी हम इंटू कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे तो भी हमारा हो जाएगा, इसको भी इंटू कर देंगे हम रफ वर्क में तो 3600 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये दोनों हमारा क्या है बच्चों, इक्वल हो गया। क्लियर। तो सिंस द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन सो दे आर इन प्रोपोर्शन हो गया हमारा, ठीक है। क्लियर। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं अपने एसडब्ल्यू सेक्शन की ओर। तो आज का एसडब्ल्यू बच्चों आप लोग बनाएंगे, एसडब्ल्यू में एक्सरसाइज 10B, एक्सरसाइज 10B बना करके हमें इवनिंग सेशन में सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड हैव ए नाइस डे।